दोस्तों अनुपमा के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा से पूछेगा कि गुरु माने ऐसा क्यों कहा, तुम हो अनुज। इस पर अनुपमा कहेगी कि मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कि वो आपको जानती हो, आपके बारे में अखबार में आता रहता है ना, हो सकता है कि वो आपसे मिली भी हो, या फिर हो सकता है कि वो हमारे बारे में जानती हो। इसके बाद अनुज कहेगा, अनुपमा मैं तुम्हें मिस करूंगा। इस पर अनुपमा बिना कुछ कहे चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर लीला एक बार फिर से अपने बेबाक अंदाज में नजर आएगी और अपनी बेटी से कहेगी कि गुरु माँ ने अनुपमा को अपने चंगुल में फंसा दिया है। इसके बाद लीला बहन कहेगी, सारी खुशियां 9, 2, 11 हो जाएंगी जब डिम्पी घर आएगी। इसके अलावा वनराज जहां काव्या का पूरा ख्याल रखेगा, तो दूसरी ओर नकुल आखिरकार गुरु माँ से पूछ लेगा, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, बिना मेरे पूछे, मेरे बारे में आपने नहीं सोचा, और अनुपमा को ही क्यों आपने चुना, मुझे क्यों नहीं। नकुल को गुरु माँ कहेगी, तू मेरा बच्चा और बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन गुरुकुल को संभालने के लिए अच्छा मैनेजमेंट और स्किल्स चाहिए। जैसे अनुपमा को परिवार को बिना अनदेखा किए गुरुकुल को संभाला है, वही उसे खास बनाता है। मैंने तेरे बारे में हजार बार सोचा, लेकिन हर बार अनुपमा मेरी नजरों के सामने आई। ये सुनकर नकुल उदास हो जाएगा। इसके बाद अनुज खूब तारीफों के बाद कुमार सानू का स्वागत करता है और कुमार सानू महफिल लूट लेते हैं। कुमार सानू को देखकर सब खुश हो जाते हैं। कुमार सानू दिल है कि मानता नहीं से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अनुज के कहने पर ही उन्होंने ये गाना सबसे पहले गाया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये गाना अनुपमा के दिल के करीब है। इसके बाद कुमार सानू और भी गाने गाने लगते हैं, जिससे सुनकर अनुज अनुपमा की यादों में खो जाता है। हालांकि ये सब गुरु माँ देख लेती है और दूसरी ओर माया को ये सब देख कर गुस्सा आता है। और यानी इसके बाद दोस्तों ये काली काली आंखें गाने पर पूरा परिवार डांस करता है। वहीं अनुज और अनुपमा को साथ में देखकर गुरुमा परेशान हो जाती है और माया को गुस्सा आ जाता है। अनुपमा और अनुज डांस कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच में माया आ जाती है। ये देखकर अनुपमा चली जाती है और अनुज का मूड भी खराब हो जाता है, वो डांस बंद कर देता है। ऐसे में गुरुमा अनुपमा के पास आती है और कहती है, तुम्हारी और अनुज की दोस्ती फिर से हो गई, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारे पैरों की जंजीरें ना बन जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।